इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इस आईपीओ की डेट्स पहले ही आ चुकी थी और अब इसकी ऑफिशियल डिटेल्स भी आती हुई नजर आ रही है, तो चलिए हम ऑफिशियल डिटेल्स को भी देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, ये आईपीओ 27 से 29 अप्रैल के बीच ओपन होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए बुक बिल्ड इशू होगा, ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 516 से ₹542 के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी ₹542 में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 27 शेयर एक लॉट में होंगे और मिनिमम आप 27 शेयर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी एनएससी दोनों में ही आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इशू साइज की बात करें तो यहां पर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों के जरिए आईपीओ लाया जा रहा है। फ्रेश इशू की बात करें तो करीब 280 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल के जरिए अगर बात करें तो इतने इक्विटी शेयर आ रहे हैं मार्केट में। इनकी अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो करीब 1600 करोड़ के आसपास होती हुई नजर आएगी, यानी कि काफी बड़ा यह आईपीओ आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी 35% का रिजर्वेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि अभी भी आपके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर टाइम टेबल की बात करें तो जैसे कि आपको पता है 27 से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अलॉटमेंट की बात करें तो 5 मई को आएगा। रिफंड की बात करें, अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो 6 तारीख को आपके पैसे रिफंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो चुका है तो 9 मई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 10 मई को इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। हालांकि यहां पर मैंने आपको केवल और केवल इंफॉर्मेशन दी है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको देंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी करती क्या है और इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हर आईपीओ की यहां पर डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूं और साथ ही साथ शेयर मार्केट की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।